वेलकम टू द पाठशाला। शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कंजक्शन का चैप्टर। तो आज का हमारा कंजक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, फिर पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको काम क्या करना होता है, आपको माइंड बाउल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना रहता है। देखिए आपका ये जो है ना घड़ा, ये नॉलेज का घड़ा भर रहा है। जैसे जैसे भरेगा प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब लीकेज बहुत ज़्यादा होगा, चीज़ों को आप भूलोगे बहुत ज़्यादा, और अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें निकल जाएगी दिमाग से। तो इनको रिवाइज करके स्टोर किए रहो ताकि आप एप्लीकेशन वाले पार्ट में इनका इस्तेमाल सही से कर पाओ। और आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2, जैसा कि आपको स्टडी का ग्राफ ई के पावर एक्स के हिसाब से मूव कराना है, चीज़ें जैसे जैसे रिविजन के लिए ज़्यादा होती चली जा रही है वैसे वैसे आपको पढ़ाई का टाइम भी बढ़ाते हुए चलना चाहिए। एफर्ट और कंसिस्टेंसी आप 100% रखिए। अगर आप में से कोई बंदा नया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा करेक्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये लास्ट समय हमने बताया था कि अदर के साथ देन लगता है, लेकिन देन की स्पेलिंग थोड़ा सा इनकरेक्ट यहाँ पे प्रिंट थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। ये होता है THAN देन, ना कि THEN, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। THAN ये वाला देन लगता है, ये देन नहीं लगता है। अब इसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम रूल नंबर 7 से पढ़ेंगे, रूल नंबर 6 तक कर लिया है। रूल नंबर 7 आपको याद होगा तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको अच्छे से कराया हुआ है। यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवीजन है। देखिए ये चार वर्ड्स याद रखिए, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो जो नाइदर होता है आपका, ये दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइदर होता है, ये दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये नन ऑफ और वन ऑफ दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सेंटेंस आपका दे दिया जाएगा दो का और इस्तेमाल कर दिया जाएगा नन का या फिर वन का, तो उस केस में आपको ये देखना रहता है कि दो के लिए इस्तेमाल किया गया है तो नाइदर की बात करेंगे या फिर आइदर की बात करेंगे। नन ऑफ वन ऑफ की कब बात करेंगे, जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो। नाइदर का मतलब ये होता है कि दो में से कोई नहीं, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नन ऑफ का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों में से कोई नहीं, और वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे लोगों में से कोई एक बंदे की बात कर रहे हो। और ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होते हैं। किसमें? सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो जो वर्ब इस्तेमाल होता है इनके साथ वो भी सिंगुलर होता है। तो दो चीज़ें चेक कराई जाती है। एक तो ये देखा जाता है कि क्या आपको पता है कि नाइदर आइदर का दो के लिए इस्तेमाल होता है, आपको जानकारी में है। या फिर दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि इनके साथ वर्ब जो है प्लूरल लगा देगा, वो आपको चेक करना रहता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। यहाँ पे देखिए नन का इस्तेमाल हुआ है, बस ये चेक करना रहता है कि प्लूरल फॉर्म लिया गया कि नहीं। तो 4 सन्स की बात हो रही, प्लूरल फॉर्म है तो ठीक है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल फॉर्म है, इस्तेमाल किया गया है आइदर का, तो ये गलत है। क्या है? सरासर गलत है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? वन अप का। तो बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो बहुत ही सिंपल था, इसको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा था, दोबारा यहाँ पे रिवीजन हो गया। इसके बाद रूल नंबर 8 है, ये एक सेंटेंस लिया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसका डिटेल जो है हम पढ़ेंगे किसमें, किस चैप्टर में, कंडीशनल सेंटेंसेज में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एज शून एज, इसको लेके सेंटेंस को जब जोड़ा जाता है दो सेंटेंसेस को, तो यहाँ पे अभी हम सिंगल सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है इनको लेके, तो क्या होता है कि एक सेंटेंस ये वाला और दूसरा सेंटेंस ये वाला, अगर दोनों फ्यूचर में हो और एक के बाद दूसरा हो, क्या हो, एक हो उसके बाद दूसरा हो, दोनों फ्यूचर में हो, तो हम एज सून एज से, इफ से, एज इफ से जोड़ते हैं, या इस तरीके के बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं जिनसे हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें से एक को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, एक को सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। तो बस ये याद रखना है आपको फिलहाल अभी के लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर में इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। एज सुन एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप। यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका कंडीशनल, इसको बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल वाला क्लॉज कि जिसमें कंडीशन बताई जाती है, एज सुन एज, जैसे ही विल कम, वो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, क्योंकि एज सून एज कंडीशन आप यहीं पे लगा रहे हो। तो जो कंडीशनल क्लॉज होती है उसमें आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करते हो, किसका इस्तेमाल करते हो, सिंपल प्रेजेंट का। तो एज सून एज, इफ और एज इफ, इस वाले पार्ट में आप विल का इस्तेमाल नहीं करोगे, सिंपल फ्यूचर का नहीं करोगे, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करोगे। तो एज सून एज ही कम्स, आई विल कॉल यू अप,
इसके विषय में ज़्यादा डिटेल हम कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, इतना याद रख लीजिएगा कि अगर दो सेंटेंसेस ऐसे हों जिनको दो काम को हमको दोनों को फ्यूचर में करना हो, एक पहले हो दूसरा उसके बाद हो, तो एक को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, दूसरे को सिंपल फ्यूचर में। किसको सिंपल प्रेजेंट और किसको सिंपल फ्यूचर में रखेंगे, इसके लिए आप ऐसे याद रखोगे कि जो आपका कंडीशनल क्लॉज होता है जिसमें कंडीशन बताई जाती है वो हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, जिसमें हम कंडीशन नहीं बताते हैं उसको हम सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। डिटेल चल के कंडीशनल सेंटेंस में इसको हम पढ़ेंगे। फिर रूल नंबर 9 है। देखो रूल नंबर 9 ये कहता है कि आपके कुछ जैसे वर्ड्स है, कुछ कंजक्शन है, इफ और वेन, इनके साथ हम देन का इस्तेमाल नहीं करते। इनके साथ हम देन का इस्तेमाल नहीं करते सेंटेंस में। अगर देन का इस्तेमाल मिले तो गलत होता है। एग्जाम में सेंटेंस कैसे आता है, वेन आई कम देन आई विल मीट यू, जब मैं आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम हिंदी में तो बोल देते हैं कि जब मैं आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा या तो तुमसे मिलूंगा, तो वो तो और तब के सेंस में अगर इंग्लिश में हम देन लिख दें तो हमको लगता सही है, लेकिन देन का इस्तेमाल गलत होता है। व्हेन आई कम आई विल मीट यू, तो यहाँ पे देन का इस्तेमाल गलत है। देन को छोड़ के व्हेन आई कम आई विल मीट यू, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इफ या फिर व्हेन जब भी इस्तेमाल हो तो इनके बाद अगर देन का इस्तेमाल किया गया हो तो वो होता है गलत। इसी तरह सिंस, एज, बिकॉज के बाद सो और देयर फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कौन कौन से कंजक्शन के बाद, सिंस के बाद, एज के बाद, बिकॉज के बाद। जैसे यहाँ पे है एग्जाम में कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपका आ सकता है, सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, और सेंटेंस का रिदम देखोगे तो लगेगा कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अगर रूल भूल जाओगे तो सेंटेंस सही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, ये सो हटा दो, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, कॉमा लगा के आई कुड नॉट कम बिल्कुल सही है। यहाँ पे सो देयर फॉर की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फ्रेज होता है जिसमें ऐसा रहता है एज के साथ सो का, एज यू सा सो सैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, इस सेंस में इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको सिर्फ याद रखिएगा क्योंकि ये फ्रेज है, ये ऐसे ही रहता है, एज यू सा सो सैल यू रीप, और एग्जाम में अक्सर करके आ जाता है और यहाँ से सो हटा दिया जाता है और हमको लगता है सही है। तो याद रखिएगा ये फ्रेज, एज यू सा सो सैल यू रीप, इसमें सो लगता है एज के साथ, सिर्फ ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद बात करें रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत है। यह है कुछ कोरिलेटिव्स, नो सूनर के साथ, देन लगता है हार्डली स्कैर्सली के साथ, वेन लगता है। इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो ये सारे के सारे कोरिलेटिव पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, किसमें, पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, पास्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा चीज, इनके साथ इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसी में इन्वर्जन फॉर्म में नॉट ओनली और नाइदर वाले केसेस भी आ जाते हैं। तो इनका क्या है, एक तो इनका पेयर चेक करना रहता है, पेयर करेक्ट है कि नहीं, नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ वेन, स्केसली के साथ वेन लगता है, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है। और ये किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, पास्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्वर्जन फॉर्म का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। तो तीन तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, एक तो आपका ये कोर रिलेटिव्स गलत तरीके से रख दिया जाएगा, नो सूनर के साथ वेन रख दिया जाएगा, हार्डली स्केसली के साथ देन रख दिया जाएगा, और इस देन में भी टी एच ई एन रख दिया जाता है कन्फ्यूज कराने के लिए, अगर स्पेल पे ध्यान ना दो तो भी हम गलती कर सकते हैं। दूसरा है इन्वर्जन फॉर्म चेक करना रहेगा, आपको बस ये चेक करना रहेगा कि इनके बाद पहले क्या आना चाहिए, पहले वर्ब आना चाहिए, देन फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट बाद में आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता है, सिंपल सेंटेंस रहता है। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब यह होता है कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, वर्ब पहले रखना होता है और सब्जेक्ट क्या है बाद में रखना होता है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, नो सूनर हार्डली स्केर्सली, नो सूनर डिड ही सी मी वेन ही रैन अवे। अब नो सूनर के साथ वेन नहीं लगता है, क्या लगता है, देन। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जाता है जहां पे आपको पेयर चेक करना होता है। और यहां पे देखिए, नो सूनर के बाद पहले डिड आया है, मतलब इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल है और पास्ट टेंस भी है, तो चीजें करेक्ट है। नो सूनर द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। अब यहाँ पे देखिए टी एच ई एन का इस्तेमाल है, जबकि आपका पेयर क्या होता है, टी एच ई एन होता है। और यहाँ पे एक और गलती है, नो सूनर के साथ इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हैड। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। एक और एग्जाम्पल है, हार्डली आई सा हिम वेन आई स्टॉप्ड माई कार। हार्डली के साथ वेन का इस्तेमाल है, पेयर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्म नहीं है। तो हार्डली डिड आई सी हिम When I stopped my car, ये आपका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। तो तीन तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक तो पेयर, दूसरा पास्ट टेंस चेक करना रहता है, और तीसरा इन्वर्जन
अगर ये चीजें आपने चेक कर ली तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपसे कोई गलती नहीं होगी। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 11 है। देखिए लेस्ट के साथ जो पेयर होता है वो होता है सुड। क्या होता है? लेस्ट के साथ सुड का इस्तेमाल करना होता है, ये याद रखिएगा आप। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, इस तरीके से आता है और हमको लगता है कि नहीं ये सही है। रन फास्ट लेस्ट यू विल नहीं क्या होता है, यू शुड मिस द ट्रेन। यहाँ पे एक चीज़ और देखना रहता है कि लेस के बाद डायरेक्ट हम वी वन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, भले सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। सिंगुलर होता है तो हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन लेस्ट के केस में ऐसा होता है सब्जेक्ट लेते हैं और क्या करते हैं डायरेक्ट वी वन लगा लेते हैं। जैसे टेक केयर लेस्ट ही फॉल, ये सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है। इसको एज इट इज़ ही मेमोराइज कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहेगी कि लेस्ट के बाद अगर कुछ इस तरीके से आए कि आपका सब्जेक्ट आए लेस्ट के बाद और फिर उसके बाद सिंपल वी वन फॉर्म आ जाए तो भी सेंटेंस करेक्ट होता है। और अगर कोई ऐसे वर्ब लगा रहे तो वर्ब क्या होना चाहिए, हमेशा लेस्ट के साथ सुड वाला पेयर रहना चाहिए। तो लेस्ट के साथ सुड या फिर सब्जेक्ट और सिंपल वी वन फॉर्म आना चाहिए। तो ये दो तरीके से सेंटेंस लेस्ट के साथ बनते हैं। इसके बाद रूल नंबर 12 जो कि आज का आखिरी रूल होगा, थोड़ा सा रूल अच्छा है। इसमें अनटिल, टिल और अनलेस को लेके हमको समझना है और बहुत सारे क्वेश्चन अनटिल अनलेस को लेके बनाए जाते हैं, एक आध बार टिल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अनटिल और अनलेस में सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि अनटिल और अनलेस में क्या होता है। अनटिल जो होता है और जो अनलेस होता है, अनटिल आपका टाइम ओरिएंटेड होता है और अनलेस जो होता है वो आपका एक्शन ओरिएंटेड होता है। अनटिल क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में जब बात करते हैं तब यूज करते हैं। अनलेस क्या होता है, अनलेस जब हम बात कर रहे होते हैं एक्शन ओरिएंटेड तब इस्तेमाल करते हैं अनलेस का। और दूसरा केस क्या होता है कि ये जो अनटिल और अनलेस है दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। तो जहाँ पे जिस पार्ट में अनटिल और जिस पार्ट में अनलेस इस्तेमाल किया जाता है उस पार्ट में आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो। क्या अनटिल और अनलेस जहाँ इस्तेमाल करते हो सेंटेंस के जिस पार्ट में, उस पार्ट में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे सेंटेंस वन और सेंटेंस टू जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया, तो सेंटेंस वन में अगर अनटिल या अनलेस है तो उसी पार्ट में नॉट नहीं लगाओगे, दूसरे वाले पार्ट में नॉट रहेगा तो चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी रहती है। और उसके अलावा अनटिल और अनलेस के साथ विल, वुड या फिर सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनटिल अनलेस के बाद विल का, वुड का और सेल का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट इमीडिएट बात की बात हो रही है, मतलब यही केस है। वन प्लस टू सेंटेंस है, इसको ज्वाइन किया, इस वाले पार्ट में अनटिल या फिर आपने अनलेस लगाया, फिर विल, वुड और सेल लगा दिया, तो इस पार्ट में विल, वुड और सेल नहीं लगाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, कंडीशनल सेंटेंस में चलेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से सीखेंगे। जैसे इसके ऊपर मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो आपके अनटिल और अनलेस होते हैं कंडीशन बता रहे होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो विल, वुड या फिर सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में। चलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि उस समय तक जब तक लाइट लाल ना हो जाए, क्या है, यहाँ पे एक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अनटिल का। नो वन विल स्टॉप, कोई रुकेगा नहीं, अनलेस यू, यहाँ पे होना चाहिए वर्क हार्ड, यू वुड नॉट सक्सीड, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये क्या है, एक्शन है कि जब काम करोगे, जब तक काम नहीं करोगे तुम तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। तो अनलेस का इस्तेमाल करते हैं हम एक्शन बताने के लिए, अनटिल का इस्तेमाल करते हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है टिल को लेके कि टिल को कभी कभी सेंटेंस के स्टार्ट में रख दिया जाता है जो कि पूरी तरीके से गलत होता है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अनटिल। पहले सेंटेंस को समझा देता हूँ मैं, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड, जब तक जो है ट्रेन जो है सिग्नल नहीं पाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अनटिल वाले केसेस में आप क्या करते हो, सिंपल प्रेजेंट लगाए हो, दूसरे वाले में सिंपल फ्यूचर। कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको मैं और क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस चीज को समझ लीजिए। एक तो अनटिल और अनलेस को
इंटरचेंज कर दिया जाता है। अनटिल टाइम ओरिएंटेड है तो अनलेस का इस्तेमाल कर लिया जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, जो कि गलत होगा, आपको पहचानना होगा। दूसरी क्वेश्चन बनती है अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का इस्तेमाल कर दिया जाएगा उसी वाले पार्ट में जिस पार्ट में अनटिल और अनलेस है, जो कि गलत होता है। अनटिल या फिर अनलेस वाले पार्ट में विल, वुड या फिर सेल का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत होता है। उस पार्ट में विल, वुड या सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, ये कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पे जो विल का इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से गलत है। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक, एक तो विल भी है एक तो नॉट भी है। अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप होगा, तो विल भी नहीं होगा यहाँ पे, नॉट भी नहीं होगा, तो अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बताते हैं, उसमें और सारा कॉम्बिनेशन है वी टू, और आप किसका वुड का कॉम्बिनेशन बनाते हो कंडीशनल सेंटेंस में, हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन बनाते हो, ये चल के हम कंडीशनल सेंटेंस में सीखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है अनटिल टिल और अनलेस को लेके चीज़ें थोड़ी सी क्लेरिफाई हो जाएगी। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, अनटिल टाइम ओरिएंटेड, अनलेस एक्शन ओरिएंटेड, इनको एक दूसरे के बदले मत इस्तेमाल कर दीजिएगा। अनटिल और अनलेस वाले पार्ट में नॉट का, विल, वुड और सेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे हुए रूल्स को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।